सलाम एंड नमस्कार, हम हैं आपके होस्ट एंड दोस्त। एंड ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, हमारा ढाबा कह लो यार, रेस्टोरेंट क्या बड़ा हो जाता है, छोटा सा अपना टेक अवे आउटलेट है। तो और ये खड़ी हमारे सामने, हमारे सामने खड़ा है, हम कहेंगे फैट बॉय। तो हम जा रहे हैं आज जनोज कुमार जी की शादी में, आज शादी है उनकी, उनकी शादी में डोली आनी है मतलब इस पे। और ये मेरे हाथ में है फैट बॉय की चाबी, मतलब चाबी लगती कहीं नहीं है, सो कीलेस बाइक है वैसे ये। चलिए चढ़ते हैं एंड आज का ब्लॉग करते हैं प्रारंभ। तो हमने किया ऑन, बड़ा सेक्सी तरीके से ऑन होती है यार ये। हाँ जी, देख रहे हो क्या सेक्सी तरीके से ऑन होती है। चारों इंडिकेटर हमने कर लिए ऑन एंड ऑन कर लिए जी, नहीं हुए ऑन। लो जी चारों इंडिकेटर हमने कर लिए ऑन। गाना बजाओ, चलाते जी गाना भी चलाते हैं। अपने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी इससे ऐसे रिकॉर्ड करके, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं थी तो मैंने हटा दी, शायद हटाई नहीं, हटाई अभी नहीं हटाई, हटाऊंगा आगे जाके। तो गाना ऐप हमने कर लिए ऑन एंड जटर का मुकाबला चलाएं, डेविल चलाते। चलो आपको सिर्फ 30 सेकंड सुनाएंगे, बस आप इतने सुनोगे क्योंकि ये आया है कॉपीराइट आ जाएगा इसके ऊपर। आ जाए तो आ जाए कॉपीराइट यार, आज चलने देंगे गाना। सिद्धू मूसे वाले गाने ना सेक्सी होते हैं, जैसे बाइक चलाओ क्रूजर और तगड़े से गाने चल रहे होते हैं, पता नहीं लगना। तो थोड़ा सा एंगल सेट कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा एंगल की डाउट है। बस बहुत मार दिया। फिलहाल का सीन जो है वो कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ धौला कुआं, अपने रेस्टोरेंट से निकला हूँ अभी अभी और टाइम हो चुका है 7:50। तो वैसे हमें 7:30 बजे मिलना था धौला कुआं सामने, लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा थोड़ा लेट हो गया, तो हम भी थोड़ा थोड़ा लेट निकल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं बाइक निकाल नहीं पा रहा था। बाकी सब तो गाड़ियों पर आ रहे हैं, मैं मासूम और दीपक द डीसी पंजाबी राइडर, हम सारे जो बाइक पर जाने वाले हैं। मैं मासूम को कॉल नहीं किया, फ़ोन करके पूछता हूँ क्या सीन है उसका, अभी आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या सीन है। एंड हम सब मिलने वाले हैं धौला कुआं पे, धौला कुआं पे बड़े मेरे बड़े भैया भी आ रहे हैं, आसिफ भाई भी आ रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में जा रहे हैं। तो जाते हुए हम भी बाइक पर जाएंगे, आते हुए गाड़ी पर आएंगे। आ का जो ब्लॉग है वो शूट होगा जलद की शादी के ऊपर, तो थोड़ी सी राइडिंग करेंगे, फिर जलद शादी में जाएंगे, दोस्तों से मिलवाएंगे आपको अपने अपने। तो डिफरेंट ब्लॉग है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, हो सकता है पसंद आए। अगर आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एंड जो ये ब्लॉग आज देख रहे हैं, ये बाइक मतलब जिस दिन मेरे पास थी तो 3 दिन पुरानी बात हो गई है, तो इसलिए लेटेस्ट अपडेट रहा कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है वाइल्ड विंग राइडर या राइडर, दोनों ही सही आ जाती है वैसे। तो हमें इंस्टाग्राम पे कर लीजिएगा फॉलो ताकि आपको मिल जाए वहाँ लेटेस्ट अपडेट। आए आए पावर इसमें भी ओके बिल्कुल। आए मेरा पास खुल गया। मैंने डलवाया था इसमें 500 रुपये का पेट्रोल जब मैं निकला था वहाँ से, मतलब कि लक्ष्मी नगर से बाइक लेकर, और अभी तो ये सिर्फ मेरे घर गई है, घर से यहाँ ये मेरे ख्याल से मुश्किल से मुश्किल शायद चली होगी, आई थिंक 50 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, 30-40 किलोमीटर चली होगी। लेकिन ये तो पहले ही फिर रिजर्व पर आ गई है, तो जरा बहन जी को फिर दे, मतलब बहन जी नहीं भाई जी, बैड बॉय नाम है तो भाई जी हुए ना, थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं इनके अंदर। मैंने आगे लाइट ला ली है, आ गए हैं जी। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के ऊपर, मतलब रोड के ऊपर। एंड वैसे मैंने जो परसों ब्लॉग में जो आपने दी देखा, मतलब जो मैंने आज सुबह वाले पहले वाले ब्लॉग में बोला था, जो ब्लॉग मेरा ख़राब हो गया कि ये बाइक है जगदम्बा सुपर बाइक्स के पास, मोहित भाई के पास ये बाइक है, तो बहुत बहुत थैंक्स टू हिम, उन्होंने बाइक दी। हमारा भाई है, हमारा चलो ने शादी बना था लेकिन उनकी वाइफ का बर्थडे है तो मोहित जा नहीं पा रहा, तो उसने मुझे बोला कि यार तू बाइक ले जा,
तो अगर आप में से कोई भी या आपके कोई भी फ्रेंड में नोन में कोई भी अगर ये बाइक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और बाइक खरीदना चाहते हैं सुपर बाइक में, कोई भी बाइक हो, बहुत सारी बाइक होती है जो सुपर बाइक, कहीं जैसे मोहित के साथ खड़ी हुई है, कहीं कहीं उसके फ्रेंड्स और जो हैं डीलर के, कहीं पार्टनरशिप होती है, कुछ कुछ वैसे होता है इनका, तो किसी और के खड़ी हो सकती है या कहीं डायरेक्ट ऑनर्स के पास भी होती है, वो भी डील करवाते हैं। तो अगर आप कोई भी बाइक चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोहित को, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको मोहित का नंबर दे दूंगा, मैं आपके लेता हूँ तो कर ही सकता हूँ, मोहित मेरा फ्रेंड है तो दोनों तरफ, और मेरे हिसाब से मोहित आपको सबसे जेन्युइन डील देगा, मैं किसी और के बारे में कहता नहीं, लेकिन मेरा भाई है, मुझे यकीन है वो गलत डील नहीं देता किसी को भी, चाहे मैंने उससे बाइक ली है अभी। तो इसी लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप विचार कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई इसके लिए विचार कर रहा है तो दूसरी बार सोचने की ज़रूरत नहीं है यार, क्लासिक पीस है, सीरियसली क्लासिक पीस है, मतलब बहुत लोडेड बाइक है। इसमें ना सामने जो ये आप ये देख रहे हैं हार्ले डेविडसन के ओरिजिनल चार स्पीकर हैं, दो नीचे भी लगे हुए हैं, बहुत कैड़ा वाला साउंड है इसका, 80-90 हज़ार रुपये का तकरीबन यही है। और सामने जो ये स्क्रीन देख रहे हैं बहुत बड़ी सी लगी हुई है, इसको बैटमैन स्क्रीन कहते हैं, तो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये का ये भी है। फुटपैक्स देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, आगे जो लाइट्स लगी हैं वो एक एक लाइट जो है 30-30 हज़ार रुपये की है, तो 4-5 लाख रुपये गाड़ी के ऊपर सामान लगा हुआ है सर इस बाइक, तो बहुत लोडेड बाइक है यार। तो अगर विचार है तो ज़रूर कंसीडर करना इसको, या अगर आपके किसी नॉन में किसी का विचार है दोस्ती यारी में रिश्तेदारी में तो कंसीडर करवाना। मैं सेल्समैनशिप वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन देखो पता है क्या है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई है मोहित जो है वो भी उसकी वो जब अच्छी अच्छी लेके आता है तो वो भी बिके, आपको कभी चाहिए हो तो आपको भी हेल्प हो, तो ये दोनों तरफ का रिलेशनशिप है मेरे हिसाब से, तो मैंने इसलिए छोटा सा मोहित के लिए बोल दिया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जनत कुमार जी की शादी पर। अभी रस्ते में थोड़ा सा रोड खुली आएगी तो आराम से बाइक को भगा के भी इंजॉय करेंगे, वैसे अभी भी हम खींचते हुए ला रहे हैं, देखो ऐसे करके। अब मैं चला चुका हूँ इसको 50-60 किलोमीटर, तो मेरा हाथ बैठ गया आराम से, तो मुझे कटिंग मारने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरी एक शुरू से एक आदत ऐसी है कि मैं एक्चुअली मैं पहले भुगत चुका हूँ, जब याद आपको याद होगा आपने मेरा एक्सीडेंट वीडियो देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा एक्चुअली वो वीडियो वो, तो जब मेरा वीडियो उस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर, तो मेरी गलती क्या थी कि मैंने बाइक जैसे मेरे हाथ में आई तो मैंने सीधा भगाने शुरू कर दी, दैट वॉज टोटली रॉन्ग। ये बहुत पावरफुल मशीन्स होती हैं, चाहे ये हो चाहे कोई भी सुपर बाइक हो, चाहे CBR 650 हो, कोई भी हो, तो आपको पहले बाइक को समझना चाहिए। एक्चुअली कल मेरे एक फ्रेंड ने बाइक लिया सुधांशु ने 10R, जो मैं दादा कल मैं बिजी था वहाँ पर, तो वो हमने पूरा दिन लगा के मेरे को ये जब मैं जाते बोला कि पावरफुल पे कर दे मैं ट्रस्ट कर, तो मैं कहा नहीं भाई, तो फर्स्ट टाइम सुपर बाइक चला रहा है, निजा 650 से अपग्रेड कर रहा है, तो सीधा सी बात है पहले उसको स्लो मोड पे चला, धीरे 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 पावर जैसे हाथ बाइक बैठता रहेगा धीरे धीरे ऊपर जाना सबसे बेस्ट तरीका यही है। एंड उसने भी एग्री करा इस बात से, एंड वो स्लो में घर में बोला भी भैया ने बिल्कुल सही बोला था ये बात, एंड मैं खुद भी गाई बाइक पहले 40-50 किलोमीटर चलाता हूँ, थोड़ा हाथ बैठाता हूँ बाइक के ऊपर। ठीक है जी, जब आप खुले GPS वाला क्या कह रहे हैं कि आगे कंजेशन है, तो मैं खुद पहले बाइक पे हाथ बैठाता हूँ आराम से बढ़िया से, जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं बाइक से कंफर्टेबल हो गया हूँ, अब बाइक को थोड़ा समझ गया हूँ, बाइक मुझे समझ चुकी है, तो उसके बाद मैं बाइक को भगाना शुरू करता हूँ या बाइक पे कट मारना शुरू करता हूँ। क्योंकि मुझे ना एक्चुअली ब्रेकिंग का आपको हाथ बैठाना पड़ता है, हर बाइक की ब्रेकिंग अलग होती है, अब S1000 जैसी क्लासिक ब्रेकिंग किसी बाइक के अंदर नहीं होती, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा, मैंने उससे बेटर ब्रेकिंग किसी बाइक के अंदर नहीं देखी। हायाबुसा की ब्रेकिंग अलग है, इसकी ब्रेकिंग अलग है, क्योंकि ये क्रूज़र है तो इसमें पिछली ब्रेक, हाँ मैं आपको बात और हाँ इसी बात से याद आया, बिकॉज ये ब्लॉग इसी पर बहुत लंबा हो जाएगा, और छोटे से एक नॉलेज है दे देता हूँ आपको फटाफट से, मेरे भाइयों को नॉलेज रहनी चाहिए, अगर आप सुपर स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं इसमें आपका वेट आगे है, तो हमारी जो हैंड ब्रेक है वहाँ पर हम 80-90% जो हमारा वे है ब्रेक का वहाँ रहता है, 20% हम पैडल ब्रेक यूज़ करते हैं। एंड अगर आप क्रूज़र बाइक जोमेटो का ऑर्डर आ गया भैया मेरे रेस्टोरेंट पर, समझ रहे हो, तो अगर आप कोई क्रूज़र बाइक चला रहे हैं जैसे ये चला रहा हूँ मैं या कोई बाइक चला रहा हूँ, तो आपका जो ब्रेक का रेशियो है वो 60-40 रहता है, 60 पीछे 40 आगे, मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन है कि उसमें बिल्कुल ही आगे रहता है और इसमें थोड़ा पीछे ही तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें आपकी पोजीशन पीछे होती है, वेट पीछे होता है, तो आपका पिछले ब्रेक पिछले पैडल पे वजन रहता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका वेट आगे होता है तो अगले पहिए पे ज़्यादा वजन रहता है, अरे हो जा बंद भाई, अगले पहिए पे ज़्यादा वजन रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपको आगे की तरफ ब्रेक नहीं आना चाहिए कि वो अगले टायर पे ग्रिप ज़्यादा बने, एंड इसमें पीछे ग्रिप चाहिए होती है क्योंकि अगला टायर ज़्यादा हल्का होता है, अगर इसमें ज़्यादा जोर से अगली ब्रेक मार देंगे तो बाइक आगे से वैसे लेगी गिर जाते हैं, बड़े होंगे बहुत बार लोग गिर जाते हैं ऐसे, और उसमें अगर आप पिछले ज़्यादा जोर से मारते हैं बाइक पीछे से घूम के आगे आ जाएगी, स्केट लग जाएगी। ठीक है जी, चलो अब ज़रा बकवास नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत रास्ते में शूट करेंगे एंड उसके सीधा आपको मिलेंगे जरा जी की शादी पे। ओके जी,
सो लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम जलज की शादी में एंड सामने आतिशबाजी हो रही है, बारात की लगता है एंट्री हो रही है। हाँ जी जलज कुमार जी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि जाके रथ देख रहे हैं और ये रहा है इसके रोजेला तो क्या नाम जो इसका नाम है। हाँ जी यस मैम साहब पता है मैं, थैंक यू मैम साहब। तो रथ में हमें देखेंगे जलज कुमार जी। बताइए जलज कुमार जी बिजी है इधर भूतनी के। चलो चलते हैं अंदर, फिर डांस करने बाहर आएंगे। पार्किंग है इसे पार्किंग।